लेकिन सबसे पहले इनसे मिलिए, हमारे आखिल भाई, और बड़ी मोहब्बत है इन्हें। गाड़ी तो हमारी होकर आ गई, लेकिन ये अभी पॉलिश लेकर आए जाकर खुद से, और हमारी गाड़ी को रगड़ रगड़ के बेहतरीन पॉलिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो, मतलब माशाल्लाह क्या लग रही है, वेरी नाइस यार। आखिल थोड़ी सी पॉलिश तुम्हारे चेहरे पर भी मल लो, मतलब सॉरी यार मेरी जान, आई लव यू। व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय सैयद अकदर ज़ेडी, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अभी हम बाहर आए थे फोटो शूट करने, मैंने सोचा बाहर से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, घर में इंट्रो वगैरह नहीं दे रहा क्योंकि बहन सॉरी थी, मैं उठ गया कि चिल्ला चिल्ला के देते हुए ऐसे बहुत ज़्यादा, मैं छोड़ू। अभी हम फोटो शूट कराने आए थे, एंड फोटो शूट तो हमारा हो गया है, लेकिन मेरे दिल में एक बात आई और दिमाग में एक बात आई, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लेता हूँ। वो बात ये कि अभी जब हमने फोटो क्लिक करे तो फोटो हमारे बहुत अच्छे आए। आप इंस्टाग्राम पर जाएँ और मैं वहाँ पोस्ट करूँगा, आप लोग मुझे फॉलो करें, आप लोग को वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। लेकिन अब मेन बात पर आते हैं, वो बात क्या आई कि मेरे पास दो तीन DSLR कैमरे थे जो 50,000 के अंदर की रेंज में आते हैं, 200D कैनन का हो गया या निकॉन के कुछ मॉडल, जब से 50mm का लेंस जीता उससे क्वालिटी हकीकत में बहुत अच्छी आती है, आप नहीं बोल सकते नेक्स्ट लेवल क्वालिटी होती है। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस करा कि अगर आपको खाली ओनली इंस्टाग्राम के फोटो शूट के लिए कैमरे वगैरह लेना तो उतना पैसा इन्वेस्ट मत करो, वो पैसा अच्छे मोबाइल के अंदर इन्वेस्ट करो, जैसे कि iPhone XR हो गया, iPhone 11 या iPhone 10, इन सारे मॉडल्स के अंदर। और अगर आपको अच्छी लाइटिंग, अच्छे बैकग्राउंड में आपने इनसे फोटो क्लिक करा है ना, तो गारंटेड कि आपका फ़ोटो प्रो बन के बाहर निकलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी चॉइस और आपका एक्सपीरियंस, आपको मुबारक हो। गई है कैमरे की बात, अब अपन अपना फ़र्ज निभाते हैं, जो हर एक ब्लॉगर का फ़र्ज है वो ये है कि आप अगर कहीं पर जा रहा हो तो उस जगह के बारे में आप थोड़ा सा बताओ पब्लिक को कि ये क्या जगह है। तो ये VIP रोड है पीछे, एंड ये VIP रोड के पास एक बहुत ही बेहतरीन एंड सेक्सी सा एंड रोमांटिक सीन आप यहाँ बना सकते हो, अगर आप कोई चाहो तो आकर। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये सब चीज़ें, मजाक करो। तो बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ पे, क्योंकि अब बैकग्राउंड में पूरे घर बने थे, ये VIP रोड रहा, ये तालाब रहा, आओ मस्ती करो, इन्जॉय करो अगर आना है। और माई डियरेस्ट फ्रेंड मिस्टर हसन भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, अंधेरे में थोड़ा सा बाहर आया जाए। और बाकी की बात, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हो गया यार? हां भाई, वालेकुम अस्सलाम। हां, अब बाकी की बात और कहीं जाके करें। वेलकम टू सिटी ऑफ लेक। अभी हम लेक पर आए थे एंड बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हमने कहा यार सुबह आज उठे, और सुबह उठते हैं ना तो मतलब एक फीलिंग ही बहुत ज़्यादा अलग होती है, तो हमने कहा बोर्डिंग करेंगे। लेकिन हम बोर्डिंग करने आए, लेकिन आपके भाई की किस्मत ने ना साथ ही नहीं दिया, क्योंकि अभी बोर्डिंग हो नहीं रही है, बंद करके रखा है इन लोग ने पता नहीं क्यों। तो मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रही, नहीं कर रहा, बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर आके व्यू, आप मतलब खड़े हो सुबह सुबह आकर, इतना अच्छा लगता है और इतना सुकून मिलता है। और स्पेशल कि हमारा भोपाल, मतलब माशाल्लाह चारों तरफ हरियाली और लेक्स, नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आती है। बाहर से आया, बाहर से आके घर में कार्टून चल रहा था, फिर कार्टून देख रही, कार्टून देखते देखते नींद लग गई मेरी। अभी 2-3 घंटे बाद नींद खुल रही है, अब उठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, खा पी कर फिर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना, कपड़े खरीदने जाना, तो देखते हैं मार्केट होकर आते हैं। There's not a single day that passes without you on my mind, not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. हेयर कट वगैरह हो गया, लेकिन मैं हेयर कट करवाना नहीं चाह रहा था, मुझे बाल को बढ़ाना है। जुनैद भाई ने कहा थोड़ा सा एक काम करो, इसे लेवल में करा लो। मैं चलो ठीक है, तो गाड़ी मुझे शेड कर दो, ये एक काम हो गया। अब दूसरा काम है कि थोड़ी सी शॉपिंग करना, थोड़ी सी बहुत सारी शॉपिंग करना है, वो तो सब होगा ना, स्टॉक बना के रख रहा, तो जाता हूँ जल्दी से शॉपिंग करके फिर घर चल कर देखते हैं क्या चलिए। मैं भी अपने घर वापस आ गया हूँ एंड मैं कटिंग वगैरह करवाई, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था अभी ब्लॉग में कि मैं कुछ शॉपिंग करना है, एंड मैं शॉपिंग करने मार्केट गया था, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, मैं आप लोग को अच्छे से उसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर हुआ तो दिखाऊंगा। लेकिन मैं वहाँ शूट इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं कहीं मॉल वगैरह नहीं गया था, मैं एक जनरल मार्केट गया था, और जनरल मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ब्रांच की फर्स्ट कॉपी रखते हैं, एंड अगर अपन उसे शूट करेंगे ना तो हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, इस वजह से मैंने वहाँ कोई भी शूट नहीं करा।
क्योंकि अपन नहीं चाहते कि अगर कोई इंसान अनकंफर्टेबल है आप ज़बरदस्ती वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा सच कैमरा अंदर रखो, कपड़े अपन बाद में दिखा देंगे। कुछ ब्लॉग पहले मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी के ब्रेक खराब हो गए हैं, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करा कि भाई गाड़ी के ब्रेक सही कराओ। दोस्तों ने कहा गाड़ी के ब्रेक सही करा लो। अम्मा ने जब ब्लॉग देखा तो अम्मा ने बोला कि गाड़ी के ब्रेक सबसे पहले सही कराओ, हमेशा याद रखना कि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो आपके भाई ने गाड़ी को डाला सर्विस में, बकायदा पूरी जनरल सर्विस होकर आई। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आप लोग से गाड़ी के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि जब आपके क्लोज फ्रेंड, आपके बचपन के दोस्त जो आपके साथ सालों से रह रहा है और वो आपसे जब इतनी मोहब्बत करते हैं ना, तो दिल में एक फीलिंग ही अलग आती है। बातें तो बहुत सारी करना, लेकिन अभी यहाँ पे एक मेन टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। और लिटरली कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा हुआ, क्या हुआ मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरी जो गाड़ी थी ना, वो सदियों से बीमार पड़ी थी और अपन उसका कोई इलाज नहीं कराते थे, क्योंकि अपन को गाड़ी वगैरह का कोई शौक था ही नहीं। लेकिन अब उसके ब्रेक बिल्कुल डाउन हो गए थे और मैंने कहा भाई अब इसके ब्रेक सही करा लिए जाएँ, क्योंकि अगर अब अपन इसके ब्रेक सही नहीं कराए ना, अब ऐसा होगा कि अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालना। तो यार लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने कहा भाई पहले गाड़ी सही कराई जाए। और आज फाइनली अपनी धन्नो जो है ना, सालों बाद सही होकर वो बेहतरीन आई है, मैं दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले इनसे मिलिए, हमारे आकिल भाई, और बड़ी मोहब्बत है इन्हें। गाड़ी तो हमारी होकर आ गई, लेकिन ये अभी पॉलिश लेकर आए जाकर खुद से, और हमारी गाड़ी को रगड़ रगड़ के बेहतरीन पॉलिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो, मतलब माशाल्लाह क्या लग रही है, वेरी नाइस यार। आकिल थोड़ी सी पॉलिश तुम्हारे चेहरे पर भी मल लो, मतलब सॉरी यार मेरी जान, आई लव यू। होपफुली कि ये वीडियो देखकर आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब आपके दोस्त, आपका कोई करीबी आपसे इतनी मोहब्बत करता है ना, तो एक बड़ा अच्छा लगता है। एंड जैसे कि आकिल की बात थी, इस वीडियो में आकिल था, एंड आकिल मेरा बचपन का दोस्त है, ऑलमोस्ट फिफ्थ या सिक्स क्लास का। एंड ये इसमें का तेज था ना कि हम लोग की जब लड़ाई होती थी तो मैं इससे खुद दोस्ती करने जाता था। तो मैं इससे कहता था कि पाले जी का बिस्किट दिलाओ फिफ्थ क्लास में, उसके बाद मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। तो मतलब यार बचपन की दोस्ती चली भी आ रही है, एंड सारी दोस्त बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं। एंड जो अभी नए दोस्त बने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो बचपन के दोस्त हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो सब बहुत अच्छे हैं। खाली दिखाने का मकसद ये था कि यार आपके जो करीबी लोग होते हैं ना, तो कभी उनसे दूर मत हो, क्योंकि असल खुशी इन लोग के साथ ही आती है। लेकिन ये सारी बातें रखो एक तरफ, अब अपन को बात करना थी, मुझे आप लोग को चश्मा दिखाना था। मैंने जो चश्मा लास्ट ब्लॉग के अंदर बताया था बनवाने गया हूँ, एंड वो ग्लास ये था, ये शायद अभी रिंग लाइट पीछे लगी है ना, तो इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। एंड ये मेरा स्पेक्स है, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दुखती हैं एंड सर बहुत दुखता है जब मैं कुछ वीडियोज़ देखता हूँ। तो मैंने एक ग्लास बनवाया, ये ग्लास मैं आपको अच्छे से एक फॉर्मल पे पहन के दिखाऊंगा। एंड कमेंट करके बताओ अगर आप जानते हो कि ये ग्लास किस एक्टर ने पहना है। अच्छे से कलर देख लो, हाँ। तो इसे रखते हैं साइड में, एंड वीडियो को आज इतनी रखते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।